प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजा के निकाले। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस रिया का राज्यपाल था। सभी लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर में बदलहिम गया, जिसे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ का दिन पूरा हो गया और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरने में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और सरणी में लिटाया हुआ पाएंगे। ये खाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेनादी का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय माता पिताएं, भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी से हम क्रिसमस मना रहे हैं। ना केवल हम लोग, दुनिया भर के सभी लोग बड़े आनंद से ये बड़े पर्व को हम मना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बड़ा दिन। इस पर्व मनाने के लिए हम काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस के छोटा से एक संदेश समझने के लिए आप कोशिश करेंगे। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज को, एरोप्लेन को देखकर पूछता है, पापा जी ऊपर में क्या उड़ता है? पापा ने बोला, बेटा एक एरोप्लेन। इसमें क्या चीज है? बच्चे ने पूछा। पापा ने बोला, बेटा इसमें लोग सफर करते हैं। बेटा बोला, इतना ऊंचाई में कैसे लोग चढ़ेगा? तो पापा ने बोला, बेटा हवाई जहाज नीचे उतरता है एयरपोर्ट में और वहां लोग चढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे जगह पर हवाई अड्डे में और तो लोगों को पहुंचाते हैं। कृष्ण प्रिय जनों, एक क्रिसमस का अर्थ भी कुछ इस प्रकार का है। स्वर्ग में विराजमान होने वाले हमारे स्वर्गीय पिता मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर, जैसे
हवाएं जगा हवाई अड्डे पर उतरता है, उसी प्रकार इस धरती पर उतरने का एक बड़ा दिन है क्रिसमस। यीशु इस दुनिया में मनुष्य बनकर आने का रहस्य हमें समझने के लिए इन दिनों में विशेषकर आगमन के समय में हमने जो पाठ को पढ़ते आ रहे थे समझने से मालूम पड़ता है। हम आज जो सुसमाचार पढ़ा उनमें से एक छोटा सा संदेश हम लेने के लिए कोशिश करेंगे। यीशु के जन्म के बाद जो पहला संदेश मिलता है चरवाहों का है, क्योंकि वे रात को अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे। पिछले दिन इस वचन पर जब मैंने थोड़ा सा मनन किया, एक बात मेरे दिमाग में आई। स्वर्गदूत ने चरवाह को कहा, आप डरिए नहीं, देखे आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सर्वाग्य को सुनाया, लेकिन ये बड़े आनंद का सुसमाचार है, ना केवल चरवाहे तक सीमित रहने का सुसमाचार नहीं, लेकिन सभी लोगों के लिए है। सबसे पहले यीशु के इस दुनिया में आगमन का यह संदेश सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए है। इसलिए कई दिनों हम देखे हैं क्रिसमस के इन दिनों में हम हमारे आश्रम में हो, गिरजा में हो, कितने प्रकार के नाना जाति के लोग हमारे गिरजा में आकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबके अंदर में प्रभु यीशु के प्रति एक आग्रह है, एक इच्छा है। जैसे संत अगस्तीन ने कहा, My heart is restless unless it rests in thee। मेरा हृदय बेचैन है जब तक मैं उससे ना मिलूंगा। सभी मनुष्य एक प्रकार से सच्चा ईश्वर की खोज में है, मुक्ति दाता की खोज में है। अब इस सवाल यही है, अब किस प्रकार ये मुक्ति यीशु इस दुनिया में लेकर आया, ये बड़े आनंद का सुसमाचार हम लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसके आगे स्वर्गदूत का ये संदेश चरवाहों को मिलने के बाद में फिर से स्वर्गदूत ने कहा, आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। इसके बाद में जो हम देखते हैं एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना के विशाल समूह भी दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था। क्या कह रहे थे? सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अब ये थोड़ा सा एक सवाल आता है, थोड़ी देर पहले गैब्रियल ने चरवाहे को बोला सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार, अभी स्वर्गीय सेना बता रहा है पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। थोड़ा सा मनन करने की एक बात यही है, चाहे यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन पूरे संसार के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है, लेकिन सभी लोग यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी ये आनंद अपने जीवन में अनुभव नहीं करता है। कारण शायद यही होगा
स्वर्गीय दूतों का संदेश में लिखा है, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। बहुत सारे ईसाई लोग हैं, यीशु में विश्वास करता है, मिसा मिलना में भाग लेता है, संस्कारों में को ग्रहण करता है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में क्यों शांति अनुभव नहीं कर पाता है? यीशु हमें जो शांति देता है वो अनुभव करने के लिए हमें वचन बताता है, उसके कृपा पात्र बनना चाहिए। ईश्वरी कृपा के पात्र योग्य बनना चाहिए। इसलिए गब्रियल दूत मरियम को संदेश देते समय में से बोला, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री प्रभु आपके साथ है। मरियम ईश्वर की कृपा के पात्र थी, योग्य थी, लेकिन हम लोग कभी कभी ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाता है। पृथ्वी पर उस पृथ्वी पर सबके शांति नहीं, उसके कृपा के पात्र बनना चाहिए। इसलिए प्रिय दोस्तों, हम हर साल में क्रिसमस के लिए बड़ी तैयारी करके नए नए कपड़े खरीद कर बहुत जो और चरणी बनाकर बहुत सजावट करके बाकी रूप से बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन कितने क्रिसमस आकर हमने सामने से गुजर गया, लेकिन हम ईश्वर की सचमुच में कृपा के पात्र बन गया है क्या, ये सोचने का विषय है। श्री आदि गुरु से प्रार्थना करेंगे ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहने के लिए। किसी मनुष्य ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहेगा उसके लिए इंतजार करना है, उसके लिए तैयारी करना है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा आकर तैयारी के लिए हमें बताया, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, जो रास्ता टेढ़ा है सीधा कर दे, जो रास्ता समतल नहीं है उसको समतल किया जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे टेढ़ेपन है, घमंड है, मलिनता है, खलंग है। आज हम बालक यीशु से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की शांति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अनुभव होने के लिए हमारे जीवन के सभी टेढ़ेपन को, मलिनता को, पापों और बुराई में रहने की बुरी आदत में फंसे रहने की हमारे आदतों से छुटकारा पाकर हमारे हृदय और मन ईश्वर की कृपा के लिए हम तैयार कर करके आइए आने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस क्रिसमस के दिन में प्रभु मेरे हृदय में आए, मेरे मन में आए, मेरे मन को आपके लिए तैयार करने की प्रभु हमें करना दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीष दे, हम सबको क्रिसमस के ढेर सारे शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू ऑल।